गुड मॉर्निंग सर। सो हम लोग आज क्या बना रहे हैं? कढ़ी पकौड़ा। सभी घर में बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा, एंड इट्स ऑल्सो माई फेवरेट, राइट? आपकी भी होगी। और कढ़ी पकौड़ा किसके साथ अच्छी जाती है? राइस के साथ। नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे पीपल लव हैविंग कढ़ी विद राइस। इन मैनी प्लेसेस दे लाइक टू हैव विद फुल्का ऑल्सो। फुल्का पता है ना? यस सर। ओके, तो हम आपको बनाएंगे, आपको नहीं बनाएंगे, हम कढ़ी पकौड़े बनाएंगे, राइट? तो पहले आपको सिखाएंगे पकौड़े कैसे बनते हैं। सब घर में पकौड़े बनाते हैं ना? यस सर। तो देखिए आप कैसे बन रहे हैं। ये हो गया बेसन। कैन आई हैव स्पून? यस। अजवाइन जाएगी थोड़ी सी, हाफ टी स्पून। होल धनिया जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून एज पर योर टेस्ट। थोड़ी सी हल्दी, ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अगेन एज पर योर टेस्ट। थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालेंगे, यू नो द रीज़न, जिससे कि आपके जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाए। चाहे तो आप वायर विस्क से इसको मिक्स कर सकते हैं। एंड हम डालेंगे क्या, बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स। पानी डाल दिया मैंने, ठीक है। पकोड़े की कंसिस्टेंसी रखनी है इसमें। पकोड़े सभी ने बनाए ना? यस सर। तो थोड़ा सा थिक रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आप बैटर ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, एक बार टेस्ट करके कि सॉल्ट एंड पेपर इसमें पूरा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम कर दिया है हल्का सा। देख लेते हैं पहले हमारा ऑयल रेडी हुआ है नहीं। टेम्परेचर इज कमिंग, ठीक है। ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, आप अपने हिसाब से छोटे थोड़े थोड़े पकौड़े इसमें डालते जाएंगे। पकौड़ी हमारी तैयार हो गई थी, है ना स्वेनस? सो अब हम क्या बनाने वाले हैं? कढ़ी। और वो पकौड़े किसके थे? कढ़ी। Can I have the pakoras please? आपने देख लिया पकौड़े की प्रिपरेशन कैसी थी? कढ़ी के लिए भी सेम। ये देखो अभी और फ्राई हो रहे हैं। अरे आधे तो खा लिए इन लोगों ने। नाइस कलर, नाइस टेक्सचर। ये बेसन है, ठीक है। अब ये बेसन मैं इसी में मिला लेता हूँ। किसमें? ये मठा बोल दो आप इसको, चाहे बटर मिल्क बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे ज़्यादा बनानी है इसलिए क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिया है। दही जितना खट्टा होगा उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। नॉर्दर्न रीजन में तो ये होता है कि दही को स्पेशली 2-3 दिन रखते हैं जिससे वो खट्टा हो जाए, है ना? लम्स अवॉइड करो इसलिए धीरे धीरे इसको। और द बेस्ट वे, ये बेसन है मेरा, बेसन में ही मैं ये डाल के इसको विस्क कर सकता हूँ, उसमें राइट ना? टिक रहा हूँ, देखो हल्के हल्के लम्स इसी वजह से आ रहा है। और ये चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं। अब फाइन, नाउ चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक,
वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर, वन टेबल स्पून ऑफ गार्लिक, ग्रीन चिली सारी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। फेनुग्रीक सीड हाफ टी स्पून, जीरा वन टी स्पून, ठीक है। नाउ स्लाइस अनियन, फ्लेम थोड़ा तेज कर लेंगे, हींग आएगी थोड़ी, ठीक है। रेड चिली, वैसे तो हम टेम्परिंग के समय भी डाल सकते हैं, फ्लेम हल्की कम कर देते हैं, ओके। मसाले मैं सारे इसी में डाल रहा हूँ, रेड चिली आई एम एडिंग इनटू इट ओनली, ठीक है। नमक भी इसी में डाल देते हैं एज पर योर टेस्ट, एंड हल्दी भी डाल देते हैं इसमें, ठीक है। धनिया भी जाता है क्या इसमें? बिकॉज इट्स पंजाबी तो इसमें स्पाइसेस मैंने देखा है सारे ज़्यादा हैं, इन्होंने लिखा है आई थिंक धनिया भी जाता है इसमें। इसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो आप, ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया और यहाँ पे आपका वो रेडी हो गया। थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे, नाउ जो बैटर है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, चलो। और ये बैटर को हम कीप ऑन स्टरिंग, सॉरी इधर इधर, सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नाउ यू हैव टू स्टर इट कंटिन्यूअसली, फिर पता है फटने के चांस नहीं रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा ये कड़ी फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब स्लो हीट पर इसको धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहें जब तक ये क्या नहीं हो जाए, पक ना जाए, राइट? एनी डाउट? ओके। यू कैन सी एक बॉयल आ गया है, धीरे धीरे हल्की आंच पे इसको, कड़ी को जितना हम पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, राइट? अब मेरे पास जो पकौड़े हैं ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, उसके बाद इसकी टेम्परिंग करेंगे हम। ये सारे मैंने पकौड़े इसमें डाल दिए, यू कैन सी अब पकौड़े के साथ भी इसको थोड़ा पकाएंगे जिससे कि पकौड़े इसमें सॉफ्ट हो जाए, है ना, और घुल मिल जाए। विल कुक इट ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स एंड मीन वाइल विल गेट रेडी विद टैम्परिंग, तड़का मार देते हैं इसमें, ठीक है। वैसे पंजाबी कड़ी इज कम्प्लीट, बस इसको उबाल के आई मीन टू से 5 or 10 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद ये रेडी है, ठीक है। सो कुक इट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, टेक इट आउट, रेडी टू सर्व। कोरिएंडर लीव्स ऊपर से डाल देंगे एंड परफेक्ट। तो होगी आपकी कौन सी कड़ी? पंजाबी कड़ी। राइस के साथ इसको एंजॉय कीजिए, राइस के साथ बैटर सब होगी और यू कैन हैव इट विद व्हाट फुल्का, एनी नाउ।